This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. And today it's going to be a very important session for all of you. And you are starting your session from 9th of January, and it is a special session for all of you. Sentence formation is the first thing which you must understand. As long as you are learning basics, I don't promise you, I am not saying that you will start speaking. If you think that you will start speaking within a day or within 2 days, so you are asking for moon. Asking for moon ka matlab samajhte aap log? Asking for, iska matlab hai, aap ek aisi cheez ki khwahish kar rahe hain. एक ऐसी चीज की ख्वाहिश कर रहे हैं जो अभी आपको मिल नहीं सकती. आस्किंग फॉर भी हो सकता है और क्राइंग फॉर मून भी हो सकता है. यू आर आस्किंग फॉर मून, यू आर क्राइंग फॉर मून. सो यू हैव टू हैव पेशेंस. आपको सबर रखने की जरूरत है. कितना सबर? एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स. इफ यू वेट फॉर 2 वीक्स, आई अश्योर यू दैट यू विल स्टार्ट स्पीकिंग. And nobody will be able to stop you, right? And you have unlimited speaking opportunity on this platform. मेरे session के अलावा सारे sessions में आप बोल सकते हैं. हाँ, जब आपको सवाल करना हो मेरा topic से related हो तो आप hand raise कीजिए, मैं अपनी बात खत्म करके आपके सवाल का जवाब दूंगा. सबसे पहले sentence formation का आगाज कर रहे हैं. ये आपका और पहला session है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब. सर मैं एक सेंटेंस बनाना चाहती हूं, बताइए मैं कैसे बनाऊं? आपके पास 4 चीजें होनी चाहिए. सब्जेक्ट, जिसके ऊपर मेरा अगला सेशन में बहुत तफसीली डिस्कशन होगी. ऑब्जेक्ट, जिस पे अगले सेशन में बेहद तफसीली डिस्कशन होने जा रही है. वर्ब, अगले हफ्ते की सारे 5 दिन जो है वो वर्ब के नाम होने जा रहे हैं. एडवर्ब, आइए आज हम एडवर्ब को थोड़ा सा डिटेल में आपसे डिस्कस करते हैं. सर ये एडवर्ब क्या है? हमने आज पहली मर्तबा इसको देखा है सेंटेंस में, वरना तो हम 3 चीजों का इस्तेमाल करते थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अगर आप एडवर्ब को देख, अगर आप एडवर्ब आपके सेंटेंस में आ रहा है तो याद रखिए, अपने पास पेंसिल रखा करें, लिखते रहा करें. एडवर्ब इज एक्चुअली योर टाइम एक्सप्रेशन. एडवर्ब जो है वो आपका टाइम एक्सप्रेशन होता है. टाइम एक्सप्रेशन से मुराद जैसे यहां पर लिखा हुआ है एवरीडे. अच्छा, यहां पर जो एवरीडे लिखा हुआ है, अब जरा देखें, इट्स अ कॉमन एरर. एवरी को अगर मैंने अलग करके लिखा तो ये बन जाता है एडवर्ब. ठीक है, आखिर में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जितना लिखूंगा. और अगर मैंने एवरीडे को मिलाकर लिखा तो ये बन जाता है एडजेक्टिव. अगर मैंने कहा एवरी अलग डे अलग, इसका मतलब है रोजाना बिला नागा. एडवर्ब बेसिकली आपको टाइम के बारे में भी बताएंगे और सिचुएशन को भी डिफाइन करेंगे. अच्छा, ये दोनों काम आपको जब वर्ब पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, ये दोनों नाम टाइम प्लस सिचुएशन. एडवर्ब यहां पर टाइम की बात भी करेगा और सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करेगा. याद कर लो जो मैं बातें याद करवा रहा हूं. एवरीडे आपके सामने आ गया, एवरीडे के बाद मैं लेकर आ रहा हूं नॉर्मली, यूजुअली, समटाइम्स. लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. जो मैं एक्स्ट्रा लिखता हूं सेशन में वो आप अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास नोट्स में लिख सकते हैं. ठीक है बेटा, समटाइम्स, नॉर्मली, यूजुअली, ऑफन. ऑफन को अमेरिकन इंग्लिश में ऑफ्टन भी पढ़ा जाता है. ऑफ्टन, ऑफन, ऑफ्टन, ऑफन. उसके बाद हार्डली, रेयरली, ये मैंने कुछ लिखे. और उसके बाद मैंने यहां पर अब ये एक बात और लिख दूं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव.
मैंने आपसे कहा कि ये सिचुएशन को भी बताएंगे और ये टाइम को भी बताएंगे, प्रेजेंट सिंपल। ये हर टेंस के एडवर्ब्स अलग होते हैं, हर टेंस के एडवर्ब्स अलग होते हैं। एडवर्ब्स बेसिकली आपके टाइम एक्सप्रेशंस हैं। ये देखिए, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, दीज डेज, नाउ अ डेज, ठीक है बेटा। उसके बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, रिसेंटली, याद करने ये सारे एडवर्ब्स, रिसेंटली, ऑलरेडी, बिफोर, ऑलरेडी, बिफोर, येट, सो फार, ठीक है बेटा, येट, रिसेंटली, ऑलरेडी, बिफोर, येट, सो फार। और उसके बाद अगर हम पास सिंपल के कुछ लिख दें तो आप समझदार हैं, जब मैं पास सिंपल के लिखूंगा, मैंने एक मिसाल देता हूं, यस्टरडे, ये भी एडवर्ब है, ठीक है। इसको थोड़ा सा भी सेट कर देता हूं मैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं बेटा? एडवर्ब्स आर एक्चुअली टाइम एक्सप्रेशंस। एडवर्ब टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं और ये बेसिकली हमारे वर्ब की मदद करते हैं। जब भी लिखा हुआ है देखो, एड वर्ब, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब। अब ये वर्ड की मदद किस तरह से करते हैं? दे एक्चुअली हेल्प इन टाइम एंड सिचुएशन। अब ये जो नॉर्मली लिखा हुआ है, एवरीडे लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स जब आप लोग कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं ना, रिटन की जब आप बात करते हैं, तो रिटन के अंदर यही वो वर्ड्स होते हैं जो आपको समझाते हैं कि ये बात प्रेजेंट की है, ये बात पास्ट की है, और ये बात फ्यूचर की है, ठीक है। अब जैसे टुमारो, टुमारो भी इट्स ऑल्सो एन एडवर्ब, ये फ्यूचर की बात करता है। यस्टरडे इट इज ऑल्सो एन एडवर्ब, ये पास्ट की बात कर रहा है। टुडे, जितने भी टाइम एक्सप्रेशंस आएंगे वो सब एडवर्ब्स होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, दे ऑल आर एडवर्ब्स, दे आर टेलिंग यू अबाउट टाइम। जो टाइम के बारे में आपको बता दे वो आपका एडवर्ब है। आ गई बात समझ, ठीक है। अच्छा, अब एडवर्ब की लोकेशन पर बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास नोट कर लेना। आगे चलकर आपको ये भी बता दूं, देखो एडवर्ब की भी शुरुआत की है। अभी जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आप देखें तो ऑलरेडी और बिफोर, ऑलरेडी और बिफोर की एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आपको बताया जाएगा। अब जैसे सो फार और येट के बारे में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अभी से येट का इस्तेमाल हम नेगेटिव में करते हैं और सो फार का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे वी हैव स्टडीड 5 टेंसेस सो फार, वी हैव स्टडीड 5 टेंसेस सो फार, व्हाट हैव यू डन सो फार, क्वेश्चन में भी आ जाता है सो फार। लेकिन जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर येट आता है, यानी कि एडवर्ब पर अभी आपकी नॉलेज अधूरी है। अभी आपने सिर्फ एडवर्ब्स को अपनी आंखों से देखा है और इस बात को समझा है कि एडवर्ब बात करते हैं टाइम प्लस सिचुएशन की। ये सर अभी हमें आगे चलकर पढ़ाएंगे कि इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और इनमें क्या क्या मसले मसाइल हैं, ठीक है। कुछ एडवर्ब्स के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, सर रिसीव टीचर्स अस एवरी डे। अब लोकेशन पर बात हो रही है, लोकेशन, एडवर्ब की लोकेशन देखिएगा। मैंने एडवर्ब को सेंटेंस के आखिर में ले गया, अगर आप सेंटेंस के शुरू में लाना चाहें बिल्कुल ला सकते हैं। एवरीडे, एवरीडे को आप सब्जेक्ट वर्ब से पहले ले आइए, नो प्रॉब्लम। सर रिसीव टीचर्स अस एवरीडे, एवरीडे सर रिसीव टीचर्स अस, पंचुएशन का ख्याल रखें, कॉमे का ख्याल रखें। और मेन वर्ब से पहले भी एडवर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है, मेन वर्ब से पहले, जुमले के आखिर में और जुमले के शुरू में। समटाइम्स के साथ भी देखें, बिल्कुल वही हुआ है, समटाइम्स जुमले के शुरू में आ गया, सेंटेंस के आखिर में चला गया, मेन वर्ब से पहले आ गया। यूजुअली जो आइल्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो लाजमी इन वर्ड्स को याद कर लें। अगर आप 7+ की ख्वाहिश रखते हैं तो ये अल्फाज आपकी रिटन में, आपकी यानी कि जो आप अपनी टास्क 1 और टास्क 2 लिखते हैं लेटर्स में
और आपकी एसेज में एडवर्ब्स जान है आपकी, और आपकी स्पोकन के अंदर ये एडवर्ब्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आने वाली जिंदगी में आपको आइल्स देना है, ये वर्ड्स आपको 7+ पे लेके जाते हैं। दीज आर दे आर द रिक्वायरमेंट फॉर आइल्स स्पीकिंग टेस्ट। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत चीज है, याद रखिएगा। एडवर्ब जो स्पीकर्स एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, दे आर कंसीडर्ड एक्सलेंट स्पीकर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दैट मच टाइम ऑन एडवर्ब्स। इंपॉर्टेंट है, जब भी मैंने इतना टाइम आपको दिया एडवर्ब्स पे। ही यूजुअली प्लेस क्रिकेट, यूजुअली ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट यूजुअली। आप यूजुअली को वर्ब से पहले ले आइए, सब्जेक्ट से पहले ले आइए, आप इसको सेंटेंस के आखिर में ले जाइए, जहां आपका दिल चाहे ले जाइए। येस्टरडे आई कॉल्ड सैरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये गायब हो जाएगा। येस्टरडे आई कॉल्ड सैरा, अब मैं येस्टरडे को जुमले के आखिर में भी लेके जा सकता हूँ, आई कॉल्ड सैरा येस्टरडे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसी तरह से तमाम आप सेंटेंसेस में देखें, मैंने एडवर्ब्स का इस्तेमाल किया है, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो अपनी जगह को तब्दील नहीं करते। वो कहते हैं एक्सक्यूज मी, हमें मत छेड़िए। नेवर और ऑलवेज कहते हैं कि भाई हमें जहां लिखा हुआ है ना, हम वर्ब से पहले ही आएंगे और हमें बस वहीं रहने दो, हमें कहीं और मत लेकर जाओ। यहां पर इंपेरेटिव में भी ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस के शुरू में आ गए, लेकिन हकीकत में ये वर्ब से पहले ही होते हैं। तो नेवर और ऑलवेज की जगह को चेंज मत करें, ठीक है ना। अब जैसे ही कम्स हेयर लेट, नेवर, अजीब सा हो गया ना, नेवर ही कम्स लेट, अजीब सा हो गया, ही नेवर कम्स लेट। आप खुद भी कुछ चीजें हमें अजीब सी लगने लगती है, कभी कभार वो सही होती है और कभी कभार वो वाकई ही गलत होती है। जैसे आप नेवर और ऑलवेज का इस्तेमाल इस जुमले को छेड़ते आइए, वैसे तो उन्होंने मना किया हमें मत छेड़ो। ही बाय सेलफोन, नेवर नेवर ही बाय सेलफोन। आप टिक लगाकर बता सकते हैं, अजीब सी लग रही है ना बात, लग रही है ना अजीब सी, नेवर ना कभी सुना है कि नेवर ही बायस। ठीक है बेटा, ही ऑलवेज डिस्टर्ब्स अस, ही डिस्टर्ब्स अस ऑलवेज, ऑलवेज ही डिस्टर्ब्स अस, नहीं, कॉमनली जो इन यूज है वो नेवर ऑलवेज वर्ब से पहले। ठीक है बेटा, आगे चलिए। उसके बाद सारा कॉल्स मी ऑन संडे, सारा कॉल्ड मी लास्ट संडे। अमूमन क्या होता है, हम मंडे हो ट्यूसडे हो कोई सा भी डे हो, उससे पहले ऑन लगाते हैं, लेकिन जब लास्ट आ जाते हैं तो मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट फिर भी ऑन लगा देते हैं, सारा कॉल्ड मी ऑन लास्ट संडे, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इन चीजों से जरा आपको होशियार रहना है। आगे चलते हैं, क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है, क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? माइक जब खोला करे तो फिर बंद कर दिया करे बस। यस बिल्कुल सर, बिल्कुल यस सर, बन सकता है, यस बना दिया सर आपने, मतलब अब आप सवाल पूछ रहे हैं। एडवर्ब के बगैर भी जुमला बन सकता है, ऑब्जेक्ट के बगैर भी जुमला बन सकता है। वी कैन मेक, ये जनरल नॉलेज है आप लोगों की अंग्रेजी की, वी कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब, वी कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट, इट इज पॉसिबल। इज इट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट, यस और नो? किसी ने कहा नो, किसी ने कहा यस। बजाहिर ऐसा लग रहा है, बजाहिर ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है, लेकिन कुछ लोगों की नॉलेज मैं ऑलरेडी इंप्रूव करवा चुका हूं, और कुछ लोग आज ये जानेंगे कि नहीं बन सकता। क्या बात कर रहे हैं सर, देखें कॉल सारा नाउ, देर इज नो सब्जेक्ट। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी आंखों में वो रोशनी नहीं है जो रोशनी अब आपको मैं आपकी आंखों में डालने जा रहा हूं। देखिए अब आपके पास वो रोशनी आ रही है, कॉल सारा से पहले देखिए, एक खास रोशनी है, इल्म की रोशनी। देखिए आपको यू नजर आ रहा होगा, दिख रहा है, जो दिखता नहीं है लेकिन मैंने आपको दिखा दिया है। इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन स्कूल लाइफ में अधूरी पढ़ाई थी, सिर्फ ये बताया था वी यूज इंपेरेटिव सेंटेंस फॉर ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, थैंक यू वेरी मच, खत्म। अब सर आप सर ने आपको पूरी बात बता दी है कि व्हाई डू वी यूज इंपेरेटिव सेंटेंसेस, वी यूज इंपेरेटिव सेंटेंस फॉर एडवाइस, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, ये तो बात है, लेकिन जब इसकी मुकम्मल डेफिनेशन देखते हैं तो वो ये है, इन इंपेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज हिडन,
इट इज बिकॉज इट इज डेफिनेट, सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, ये डेफिनेट होता है, इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, जरूरत ही नहीं है ना भाई। अब मेरे सामने मैं हीरा से बात करूं, मैंने कहा हीरा फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हीरा कॉल सारा, तो अब मैं हीरा से ये क्यों कहूं कि यू कॉल सारा, मैं सिर्फ ये बोल दूंगा कॉल सारा, ऑब्वियसली जो मेरे सामने जिसको मैं देख रहा हूं उसी से मुखातिब हूं, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। अब जी बोले, अब जो जिसको देखकर मैंने ये बात कही तो वो तो बोलेगा जी बोले, नहीं मैं आपसे बात नहीं कर रहा, वो उनसे बात करो, नहीं आपने देख, लेकिन बात तो आपने मुझे देख कर की, हाँ गलती हो गई, वो मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं होता है कभी भी, आप जिससे मुखातिब है आप उसी को देखते, लिसन टू मी, लुक हियर, आप जैसे क्लासरूम में आप देख ले, आप लोग टीचर्स हैं, आप में से बहुत सारी खवातीन पढ़ाती हैं, आप जब क्लासरूम में, जब आप क्लासरूम के अंदर होती हैं तो आप स्टूडेंट से इस तरह से बात करती हैं, लिसन टू मी, कम हियर, सिट डाउन, तो आप जिससे मुखातिब हैं आप उसको क्यों फिर आप उसको यू कहेंगी, यू कम हियर, हाँ वो अलग बात है कि गुस्सा आ जाए, गुस्सा आ जाए और आपकी जबान से निकल जाए, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, यू कम हियर, तुम बैठ जाओ, यू सिट डाउन, गुस्सा आ गया आपको, जब गुस्सा आ जाता है तो आपकी जबान पर यू आ जाता है, जैसे यू कीप योर माउथ शट, तुम अपना मुंह बंद रखो, होता है ना बहन भाइयों में अक्सर, तुम अपना मुंह बंद रखो, मियाँ बीवी में भी हो जाता है, तुम मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, तुम मेरे घर से बाहर निकलो, मेरे अब्बा ने घर दिया था ये, यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, यू गेट आउट फ्रॉम दिस हाउस, आपने बच्चे भी ले जाना, अरे मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो जाती हो, अच्छा मैं मिलाता हूँ चाय बना रहा हूँ, टेंशन नहीं लगे, तुम तो खड़े मत हो, अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कायनात आ रहा हूँ बेटा आपके सवाल पर, तुम तो खड़े ही मत हो, डोंट यू स्टैंड अप, अक्सर लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को ये वाले गलत बोलते हैं, यू डोंट स्टैंड अप, यू डोंट टॉक, यू डोंट टॉक, तुम बात मत करो, यू डोंट टॉक, जुमला गलत, आज के बाद आप जुमला क्या बोलेंगे, डोंट यू टॉक, डोंट टॉक। डोंट यू टॉक, तुम तो बात ही मत करो, डोंट यू डेयर, सुना है, सुना है, डोंट यू डेयर, डोंट यू यस डेयर, सर। डोंट यू डेयर, तुम तो जुर्रत मत करना, डोंट यू डेयर टू टच मी अगेन, दोबारा हाथ लगा रही की जुर्रत नहीं करना, हाथ काट दूंगी तुम्हारे में, डोंट यू डेयर, सॉरी भाई गलती हो गई, मुझे पता है तुम कसाई के खानदान से हो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्या कहा तुमने, नथिंग, आई वॉज जस्ट किडिंग, यस कायनात बेटा सवाल पूछिए, ये सर सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो आप बता रहे हैं जैसे डोंट गो टू स्कूल इस तरह के सेंटेंसेस, तो ये सेंटेंस में नहीं आएंगे या फिर ये एक्सेप्शनल केस है, ये इसमें सब्जेक्ट तो नहीं सेंटेंसेस, है? दे ऑल आर सेंटेंसेस, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, ये इंपेरेटिव ओके okay. सेंटेंस है, और जब आपने यू का इस्तेमाल किया तो आपको गुस्सा आ गया, और ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, जैसे यू कीप योर माउथ शट, दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, सर यू फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत, मतलब सब्जेक्ट जरूरी होता है, मतलब अगर इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है, डोंट यहां गो पर टू हेल्प स्कूल मी ये में सब देखें, आता है। सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो चीज नहीं होती जरूरी नहीं है कि वो जुमले में भी नहीं है, मैं एक सेंटेंस आपके सामने बोलता हूं, वॉट अ ब्यूटिफुल कार, वॉट अ ब्यूटिफुल कार, इसमें आपको कहीं वर्ब दिख रहे हैं, कहीं ऐसा वर्ब नो के बगैर, नो सर, क्या नो वर्ब सर, के बगैर जुमला बन सकता है, ऐसा मुमकिन है दुनिया में कि वर्ब के बगैर जुमला बन जाए, लेकिन सर ने बना दिया है, लेकिन इस जुमले की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम जो है वो सेंटेंस में वर्ब लेकर आए, लेकिन इसमें वर्ब है, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, लेकिन इट इज को बोलते नहीं, लेकिन जब आप मुझसे लिखने के लिए कहेंगी तो मैं लिखूंगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, व्हाट अ वंडरफुल शॉट इट वॉज, व्हाट अ वंडरफुल इनिंग इट वॉज, इट इज, व्हाट अ लवली वेदर इट इज, इट वॉज, ये इट इज और इट वॉज बोलते थे, तो बेटा इसमें इस तरह की बहुत सारी चीजें ग्रामर में होती है, हम यू का इस्तेमाल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते नहीं है क्योंकि डेफिनेट है सामने सारा घड़ी है, मैं जाओ जाके चाय बना, तुम्हारे अब्बा की नौकर नहीं हूं मैं, बना दो ना,
प्लीज। मैंने कहा गो एंड मेक टी। अगर मैंने गुस्से में कहा यू गो एंड मेक टी फॉर मी, जी गुस्से में कहेंगे तो फिर यू लगा ले आप, है वो इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, सलमा सवाल। सर ये ओल्ड फिशन है। ये कौन सा ओल्ड? नहीं बेटा कि नया, आज मेरा पहला लेक्चर चल रहा है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अभी तो पार्टी नहीं शुरू। सर, एम्पिरिकल। ओल्ड सेशन तो इतने आसान नहीं होते, पार्टी तो शुरू ओके ही। सर, चले भाई, अब आपसे ओके एक ओके। एक सेंटेंस में क्या दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? यस देखो सर, स्क्रीन पर आ गए तो फिर यस आ सकते होंगे, इसमें भी कोई ना कोई साइंस होगी। बिल्कुल आ सकते हैं, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। अगर हम एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी कहानी क्या है, गौर से सुनिएगा, बहुत छोटी सी कहानी है, समझ आ जाएगी। तमाम स्टूडेंट्स इस बात से एग्री करते हैं कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आखिर में आते हैं, जनरली ऐसे ही होता है सेंटेंस नो सर, जनरली। नो सर, अरे मान लो आज, अभी मान लो, आज के लिए मान लो, कल मत मानना ये बात, अगले यस सेशन। सर, जनरली ऑब्जेक्ट आखिर में ही लिखा जाता है ना, मतलब मैं आपकी जी बातें सर, समझ रहा हूँ। देखिए सर हसीब टीचर्स, अच्छा अस, इसमें ऑब्जेक्ट अस ही है ना, ऑब्जेक्ट आखिर वर्ब के, चलो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही आता है ना, ये इस बात से एग्री करते हैं या इस बात से यस सर, डिसएग्री यस करते हैं? सर, चले बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सरसीब टीचेज अस, इसमें ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद जो देखा जा रहा है वो है। अच्छा ये जो यस सरसीब सर, अस है, अब मैं इसकी जगह पर कोई नाम लगा देता हूं तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। सरसीब टीचेज सारा, ये आसान हो गया आपके लिए। अच्छा आप जो सरसीब पढ़ाते हैं उनका सब्जेक्ट है सरसीब टीचेज इंग्लिश, ये आप इंग्लिश पढ़ाते हैं सरसीब टीचेज सारा, सरहसीब टीचर्स इंग्लिश। अब आप ये देखिए जरा गौर से तवज्जा के साथ, मैंने जो ऊपर वाला सेंटेंस इस्तेमाल किया है उसमें सारा है, मैं इस सारा को देखिए कन्वर्ट करने जा रहा हूं, साथ साथ देखते रहिएगा, समझ आएगी बात, आसान सी बात है। सरहसीब टीचर्स समबडी, सरहसीब टीचर्स समबडी, ठीक है। और अगर नीचे वाले सेंटेंस को देखें, अब सर उसको क्या किस तरह से कन्वर्ट करने जा रहे हैं, सर ने इंग्लिश की जगह पर क्या लिख दिया, सर सी टीचेस समथिंग, ये देखें। अब आप देखिए समबडी कैन बी एन ऑब्जेक्ट और समथिंग कैन बी एन ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात बिल्कुल समझ आ गई होगी जब मैंने ये कहा समबडी कैन बी एन ऑब्जेक्ट, समथिंग कैन बी एन ऑब्जेक्ट, समबडी भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और समथिंग भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब यही समबडी और समथिंग याद रखें, याद रखें, याद रखें कि ये जो समथिंग है इसको कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये जो समबडी है इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसकी फॉर्मेशन को जहन में बिठा लीजिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे बुनियादी बेसिक और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉर्मेशन है। अगर समथिंग को पहले लिखा जाएगा, मैं समथिंग को पहले लिखने जा रहा हूं सरहसीब टीचर्स समथिंग, अगर मैंने समथिंग को पहले लिख दिया तो याद रखिए मैं समथिंग की शॉर्ट फॉर्म की तरफ जा रहा हूं STH टू समबडी। और जब मैं इसी सेंटेंस में समबडी को पहले ले आऊंगा तो याद रखे याद रखे याद रखे, अब टू लगाने की जरूरत नहीं है। जो होशियार बच्चे होते हैं वो समबडी पहले लगाते हैं ताकि प्रेपोजिशन की झंझट ही ना रहे कि प्रेपोजिशन लगाना है नहीं लगाना,
somebody को पहले लगा दिया, something को बाद में. सर हसीब टीचेस समथिंग टू समबडी, सर हसीब टीचेस समबडी समथिंग. तो ये जुमला अब जब आप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सर हसीब टीचेस. सारा को ले आइए पहले, सारा इंग्लिश. अब आपको ये जुमला गलत लग रहा होगा, तब पहली मरतबा सुना है, बिल्कुल सही है, 100% कोई गलती नहीं है. सर हसीब टीचेस इंग्लिश टू, हाँ ये सही है सर. भाई दोनों जुमले सही है, तो भाई नॉलेज में आज इजाफा हुआ है, माशाल्लाह. सर हसीब टीचेस इंग्लिश टू सारा, सर हसीब टीचेस सारा इंग्लिश. सर अजीब सा लग रहा है. तो बेटा आप भी गौर से देखिए अपने आप को शीशे में, तो अंग्रेजी के एतबार से आप भी थोड़े से डिफरेंट है. अब आप इंशाल्लाह और डिफरेंट हो जाएंगे बिकॉज यू हैव फाइनली ज्वाइन एसकेएच. ठीक है बेटा, अब आपको अगर ये बात समझ आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फर्रा मैंने बना दिया, जब परेशान हो इस फर्रे को देख लेना, तो तुम्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ आएगा. अब वहां देखो, आई आस्क अ क्वेश्चन, आई आस्क अ क्वेश्चन और आई आस्क अली. अब जब मैंने इसको जोड़ा तो कैसे जोड़ा, आई आस्क अली अ क्वेश्चन, आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली. समथिंग को पहले लिखोगे तो टू आपको टू लगाना पड़ेगा, समबडी पहले आएगा तो टू लगाने की जरूरत नहीं है. आई गिव सादिया अ लेक्चर, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया. किसी बच्चे का यहां तक कोई सवाल, समझ आ रही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सर एक सवाल, हाँ बेटा पूछिए. अब एक बच्चा है जो बहुत सारे सवाल पूछता है. सर देखिए, आपने पहले कहा हमसे, शुरू से अगर हम बात करें आज के ही लेक्चर की, के जुमले में एक ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपने ऑब्जेक्ट के बगैर हमें जुमला बनाने के लिए सिखाया दिखाया, हाँ भाई बन सकता है ऑब्जेक्ट के बगैर. फिर अब आपने एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स लगा दिए. सर मतलब ये कौन है जो फैसला कर रहा होता है कि इस सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा, दो ऑब्जेक्ट आएंगे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ये फैसला कौन करता है? मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल आप लोगों से है जो यहां बैठे हुए मेरी बातों को सुन रहे हैं, बताइए ऑब्जेक्ट से पहले कौन होता है? आप चैट्स में भी लिख सकते हैं, बताइए ऑब्जेक्ट से पहले कौन होता है, बताइए ना. किसी ने, हीरा ने बताया, वेरी गुड. सर ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब होता है, और ये वर्ब आप वर्ब को जिसने समझ लिया, एक इंडियन ग्रामेरियन को सुन रहा था, कई साल पहले सुना था, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट याद है आज तक, इफ यू अंडरस्टैंड वर्ब यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. एंड ही, वो बिल्कुल उनकी बात सही थी. हम उस वक्त बहुत, हमारा अर्ली स्टेज थी लर्निंग की, तो हम मुख्तलिफ राइटर्स को सुनते थे, ग्रामेरियंस को सुनते थे, तो उनको जब सुना तो हमने कहा हाँ भाई ये बिल्कुल सही कह रहे हैं. अगर आपने वर्ड को समझ लिया तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं. आज एक पहला वर्ब आपके सामने आ रहा है, पहली शक्ल में आ रहा है, और अगला हफ्ता सिर्फ वर्ब के नाम ही होगा मेरा आज. लेकिन वर्ब ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं. पहला रंग आपके सामने है, यस रिमाल. सर यहाँ पे तो मतलब कुछ भी लाइक कह लें कि हो सकता है कि कभी आप एक सेंटेंस में दो दफा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, और हमने मतलब आप सुबह से हमें मतलब जितना आपने पढ़ाया है उसमें हम ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस बना रहे हैं, सब्जेक्ट के बगैर भी, ठीक है, तो ये चीज समझ में नहीं आ रही, मतलब लाइक ये सिचुएशन पे फिर यही सर डिपेंड देखिए, होता है कि यही हमें बदतमीजी हमें समझ नहीं आ रही है. ये सर देखे ना, अभी तो हमारा आज पहला दिन है, मैं बता रहा हूँ, ये वर्ब बदतमीजी कर रहा है, कभी ऑब्जेक्ट को गायब कर रहा है, कभी दो ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा है, और कभी एक ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा है. ये प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर जी। रहा है, तो मैं सर नहीं मैं ये क्रिएट कर रहा पूछना हूँ. चाह रही थी कि लाइक जब हम टेस्ट देंगे, ठीक है, तो हमें फिर सिचुएशन का कैसे पता चलेगा? हम अभी बोलते आ टाइम रहे तो हैं, हमें पता होता है ना कि अभी हमने पता चलेगा, अभी सिचुएशन ये क्या है, वर्ब हमने अभी किस आपके तरह। सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जी उससे पता चलेगा. अभी तो पार्टी शुरू कर रहा हूँ, ओके सर। माफिया का सवाल ले लेते हैं. जी माफिया,
जी सर, मैंने ये पूछना था कि जैसे सब्जेक्ट से बाद हम लोग एक कहते हैं बेस फॉर्म और एक सिंपल फॉर्म, इनमें क्या डिफरेंस होता है? वो अभी इस पे आए नहीं, वो आएगा अगले हफ्ते। वर्ब, ये वर्ब की फॉर्म्स का सवाल है, आने ओके वाली जिंदगी में इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस, ट्रांजिटिव वर्ब सर वर्सेस, आवाज आ रही है? जी आ रही आवाज। आपने जो सवाल जी सर, मैं पूछा आपसे आगे ये का पूछ रही हूँ, जब सवाल है, हम लोग, जो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, वो अभी आगे का सवाल है, उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। तो हैव पेशेंस, इट विल कम। ठीक ठीक है है, सर। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ये जो अभी एक मसला सामने डिस्कस हुआ कि सर एक ऑब्जेक्ट आएगा, दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ये कौन हमें बताता है? ये बताता है वर्ब। अब नाम याद कर ले, ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, बहुत आसान जबान में बता रहा हूं, लिखना चाहे उर्दू में तो अपने पास लिख लीजिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा भाई, ये बताओ, हमें कैसे पता चलेगा? पहले ये तो सुन लो, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? तुम लोग सोचा करो, जो तुम लोग सोचते हो ना, वो मैं सोच सकता हूँ, याद रखना। माइंड रीडिंग एग्जिस्ट। कितने लोग ये सोच रहे थे इस वक्त, जरा ईमानदारी से हाथ उठाकर बताइएगा कि ये एक भाई, ये कौन बताएगा कि यार दो ऑब्जेक्ट लगे? ठीक है, मान लिया आपकी बात, सुन ली हमने। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट, हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है ना, ये तीन लोग हो गए, तीन लोग ये सोच रहे हैं। तो आप जो लोग सोचते हैं ना, वो हमारे जहन में आ रहे हैं, चार लोग हो गए अभी बता रहे हैं सर आपको। अच्छा, इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, बहुत इज्जत करते हैं हम आपकी। हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? हमें बिल्कुल पता चल सकता है कि इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। अच्छा, अगर आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कितने होते हैं, तो बेटा ये तो लातादाद है, तो इसके पीछे मत जाओ। तुम जाओ इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के पीछे, जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इनकी तादाद लिमिटेड है, इनकी लिस्ट अवेलेबल है मार्केट में। तुम उन वर्ब्स को स्टडी कर सकते हो, नोट्स में थोड़ा सा जहमत करना, नीचे जाना, तुम्हें एक लिस्ट मिल जाएगी। एक लिस्ट और मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, लिस्ट ऑफ इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। ये वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। अच्छा, तो फिर क्या लेते हैं, यही बता दें आप। अभी जब आप बड़े होंगे तो आपको इसके ऊपर और अच्छी नॉलेज मिलेगी, जब एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, एडवर्ब्स। अब आप यहां देखिए, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मुझे ईमानदारी से बताइए, तमाम स्टूडेंट्स आंखें खोल के सेंटेंस को देखें। आज से पहले ये सवाल कोई आपसे करता तो आप इसमें बता देते, कंफर्म कि इसमें ऑब्जेक्ट है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसमें एवरी अलग है, डे अलग है, बताइए एवरी डे को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव अस्तक्तो, एवरी एडजेक्टिव अलग, डे अलग, एवरी अलग। यहां पर इस सेंटेंस में एवरी डे क्या है भाई? बताओ बताओ, ये कैसे पता चला? बताओ भाई, बताओ बताओ, ये कैसे पता चला? नॉलेज में इजाफा होने से हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बेटा पता चलता है। हमें कैसे पता चला भाई? प्रायर तुम जैसे करो, चीज सिचुएशन के को बारे में स्टडी बताता कर। है। जैसे आज सर ने बताया पूरी एडवर्ब की खानदान के बारे में, अब आपके जहन में ये बात आ गई, सर दिस इज एन एडवर्ब सर, ओके, सो इट कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट। सर एडवर्ब कैसे ऑब्जेक्ट बन सकता है? सर एडवर्ब इज अ टाइम एक्सप्रेशन सर, किस तरह की बातें करते हैं सर आप भी? ओके बेटा, सॉरी, आई गो टू स्कूल। अब कुछ लोग कहेंगे स्कूल ऑब्जेक्ट है। अबे भाई, स्कूल अगर ऑब्जेक्ट है तो मुझे एक बात बताओ, फिर इसका तुम पैसिव बना लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट में ले बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में जाएगा, स्कूल इज गॉन।
कौन सा असर तुम्हारे स्कूल में पड़ रहा है? आई स्लैप्ड अली, रिसीवर कौन था? गाल किसका लाल हुआ? अली का। अली का। रिसीवर पता चलता है ना। और एक बात अब सुनो, नॉलेज में इजाफा, ये जितने भी ये वाले वर्ब्स होते हैं जिसमें मूवमेंट होती है, गो, कम, अराइव, रीच, सब में आना जाना हो रहा है। यस गो, सर। कम, अराइव, रीच, जहां पर भी आना जाना हो जिस तरह का भी, वो तो कभी ट्रांसलेटिव हो ही नहीं सकता, वो हमेशा इनट्रांसलेटिव ही होता है। और दूसरी सर की निशानी देखो, क्या इसके वर्ब के बाद आपको टू नजर आ रहा है? ये टू क्या है? यस प्रपोजिशन। प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशन? आगे की बात समझ। एडजेक्टिव, ये आपको एडजेक्टिव दिख रहा है? जहां पर एडजेक्टिव आता है, याद रखना वो इंपॉर्टेंट बात, जहां एडजेक्टिव्स आते हैं वो बेसिकली स्टेट वर्ब्स होते हैं, और जब सेंटेंस स्टेटिव होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों ना एक्शन रिसीव करते हैं ना एक्शन परफॉर्म करते हैं। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? ही। अगर आपने मुझसे ये कह दिया कि सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। स्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई काम नहीं करते, वो एम्प्टी सब्जेक्ट और एम्प्टी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये नई टर्म आप लोगों की जिंदगी में आई है। ही इज टायर्ड, क्या ही कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है? वो थका हुआ है, वो तो उसकी हालत बयान हो रही है, ठीक है ना? ये आप अगला सेशन आ रहा है, सब्जेक्ट पे तो बात करूंगा। ही ड्राइव स्लोली, ये देखो स्लोली, एल वाई वाले वर्ड क्या होते हैं जल्दी से बताओ, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे एडवर्ब, हैं। एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव मैनर। बेटा ये एडवर्ब ऑफ और मैनर है, वो गाड़ी कैसे चलाता है। एडवर्ब की शाखें बहुत सारी है ना, ये सर ने एवरीडे लिखा ऊपर, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये स्लोली लिखा, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो सर ने आपको एक टर्म बता दिए, लिख लो, नोट कर लो, आगे चल के काम आएगी। ही ड्राइव स्लोली। अपने साथ पेंसिल रखा करो और मेरे सेशंस को बार बार सुनते रहा करो, बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है? लिस्ट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, आप लिमिटेड है, याद कर सकते हैं। सर एक आखिरी सर सवाल, हाँ ट्रांजिटिव बोले, इंट्रांजिटिव वर्ड वर्ब, जिनके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। नहीं आता, नहीं आता, कोई बात नहीं। ट्रांजिटिव में हाँ, एडजेक्टिव ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है। देखिए इधर मैंने लिखा हुआ भी है, वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। अच्छा सर एक सवाल, दो सवाल, सॉरी सर दो सवाल, जी पूछिए। सर इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव बन सकता है, ये तो आप लोग मुझे बताइए, क्या इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव बन सकता है? सकता। बन सकता है भाई, नो बन सर, सकता नहीं है। बन सकता। ऑब्जेक्ट नहीं सर, नहीं सर, कहां से लेकर आओगी तुम? नो पैसिव में सबसे पहला काम क्या होता है? सर। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। अगर एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो उस सेंटेंस में तो पैसिव ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, जब उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसका पैसिव नहीं होगा। कैसा? पैसिव नॉट पॉसिबल विद इन ट्रांजिटिव वर्ब। आ गई बात समझ? अच्छा सर आखिरी सवाल बस, फिर आप की दूसरी क्लास है, जी पूछिए। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वर्ब है इसमें एक ऑब्जेक्ट आएगा या दो ऑब्जेक्ट आएंगे? ये अभी तक वही बैठा हुआ है सर, और ये जी सवाल है जो दिमाग में अटका हुआ है, हमें कैसे पता सर, चलेगा बिल्कुल। कि इसमें एक ऑब्जेक्ट आएगा या दो ऑब्जेक्ट आएंगे? तो बेटा कुछ चीजें याद करने की भी होती है, हर चीज सर जादूगर नहीं है, सर जादूगर नहीं है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमें कोई लिस्ट वगैरह प्रोवाइड करेंगे जिसमें ऐसे वर्ब्स लिखे हुए होंगे जो डबल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं? जी बिल्कुल, मैं ऐसे वर्ब्स की लिस्ट आपसे शेयर करूंगा, और अगर मेरे पास, अगर मुझे अभी नजर आ जाए तो मैं आपसे अभी शेयर कर लूंगा, और उसको मैं अगली क्लास में, अगली क्लास में मुझे उस पर डिस्कशन भी करनी है।
तो मैं आप कबीरा जी मुझे डबल ऑब्जेक्ट की लिस्ट दिखा दीजिए, मैंने उसको कंपाइल करके रखा था अपने पास, अल्लाह करे मिल जाए, वरना अगले सेशन में मैं आपको वो लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा और उस लिस्ट के ऊपर मेरी डिस्कशन भी है कि वो कौन से वर्ब्स हैं जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन आई एम गोना शेयर विद ऑल ऑफ यू। वो स्टूडेंट्स जो मेरे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके अभी इसके बाद दो सेशन हैं, एक मेरा एक्टिविटी सेशन चल रहा है और एक मेरा डिस्कशन एंड कॉन्वर्सेशन हॉल, क्योंकि हमारे पास बच्चों की तादाद ज्यादा है तो एक वक्त के ऊपर हमारे पास दो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, 4 बजे से लेकर रात ऑलमोस्ट 11 बजे तक। तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर रेलेवेंट सेशंस के लिंक्स आ चुके हैं, आप उसके मुताबिक ज्वाइन कीजिए, और जिन लोगों ने अब तक फीस सबमिट नहीं करवाई है वो फीस सबमिट करवा देंगे तो उनके पास सारे सेशंस की एक्सेस आ जाएगी, वरना सिर्फ आप मुझे बर्दाश्त कीजिए, और उसकी भी एक्सेस आपके पास लिमिटेड डेज के लिए है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले सेशन में हमारी क्लास शुरू होगी यहाँ से। ये आपके लिए कुछ रेफरेंस मटेरियल होता है, ये पढ़ेंगे तो खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है? ये पढ़ा करें जरूर, ये लिस्ट आपके लिए है, ये सर्टिफिकेट है जो आपको मिलेगा, और यहाँ से इंशाल्लाह अगली क्लास में सब्जेक्ट से हम बात शुरू करेंगे और ऑब्जेक्ट तक जाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट के अंदर वो जो मैंने आपसे बात की है, जो मैं लिस्ट आपसे शेयर करूंगा, वो अगले सेशन में आपसे इंशाल्लाह बात करूंगा। मेरा अगला सेशन आपके साथ वेडनेसडे को होगा, कल इसी टाइमिंग के ऊपर आपको आपकी स्पोकन टीचर ज्वाइन करेंगे 3 से 4 में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।